हाय एवरीवन, आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर ये न्यू वीडियो के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। जी हाँ, शायद आपको पता ही होगा कि ओला उबर बड़े बड़े शहरों में क्यों बंद है और वो स्ट्राइक पर है काफ़ी दिनों से। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो में देखते हैं क्या है। पिछले 10 दिनों से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में ओला उबर स्ट्राइक पर है। इसकी वजह है कि उनके डिमांड को ये कंपनीज नहीं सुन रही। ड्राइवर्स ने ये डिमांड किया है कि गाड़ियों पर पर किलोमीटर प्राइस को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं उसी तरह पर किलोमीटर प्राइस भी बढ़ने चाहिए, नहीं तो ड्राइवर्स को बहुत लॉस होगा। उन्होंने ये डिमांड किया है कि हैचबैक का प्राइस जो अभी 6 से 8 रुपये पर किलोमीटर है, उसका प्राइस बढ़ के 16 रुपये पर किलोमीटर हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेडान का जो अभी 11 रुपये पर किलोमीटर है, उसका प्राइस बढ़कर 18 रुपये पर किलोमीटर हो जाना चाहिए। कैब कंपनी ये डिमांड के लिए रेडी तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ और भी शर्तें साथ में रख दी, जिसके कारण बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल ने उनकी बात नहीं सुनी। एक और बात, ड्राइवर्स की इंसेंटिव्स भी बहुत डाउन कर दिया गया है ओला उबर वालों ने। ओला उबर ने स्टार्टिंग में ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी सैलरी 70,000 से 80,000 पर मंथ कर दिया, तो काफ़ी लोगों ने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर ओला उबर ज्वाइन कर लिया। इस कारण बहुत लोग ओला उबर ज्वाइन करने लगे एंड ड्राइवर्स की सप्लाई भी बहुत बढ़ गई। ड्राइवर्स की सप्लाई बढ़ने से ये कंपनीज ने इंसेंटिव्स कम कर दिया, जिससे इंश्योरेंस, फाइनेंशियल हेल्प उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए और भी बहुत सारी थी। और इसी तरह फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ गए, जिसके कारण उनकी इनकम कम होने लग गई। कुछ ड्राइवर्स ने तो ये भी कहा कि उन्हें कम से कम 16 घंटे काम करने पड़ते थे, तब जाकर वो अपने कार लोन का इंटरेस्ट पे कर पाते हैं। इस कारण दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज़ में पिछले 10 दिनों से ओला उबर ने के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक पे है और हंगामा हुआ पड़ा है और लोग काफ़ी गुस्से में नारेबाजी लगा रहे हैं। और अभी वैसे ही फेस्टिव सीजन है, तो इस वक्त बहुत लोग क्या प्रेफर करते हैं, लेकिन अब इन्हें भी दूसरे ट्रांसपोर्ट्स का हेल्प लेना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे ओला उबर का फ्यूचर इंडिया में क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच अपने वीडियो के लिए देखने के लिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।